हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के एन के स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, और ये अपकमिंग जो CHO की एग्ज़ाम होने वाली है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसके लिए भी, और जो ट्रेनिंग एग्ज़ाम है जिनके बाद में जो CHO के बाद जो ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होगी उनके लिए, दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो है। और दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो मैंने टॉपिक को डिस्कस करा है वो न्यूट्रिशन को डिस्कस करा हुआ है। तो दोस्तों आपसे न्यूट्रिशन से संबंधित जितने क्वेश्चन इसमें रहेंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों आप इसे अच्छे से देखें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों तो एक बार फिर से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होगा इसी से आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आया है ये फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असिस्मेंट। उसमें आप देख सकते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में शामिल है क्या क्या आएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन आएगा, फैट आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, ऑल ऑफ द अबो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये सभी चीज़ें शामिल रहेगी। उसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर टू वो है विच ऑफ द फॉलो इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का समृद्ध सोर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है उसमें। ऑप्शन नंबर ए है आंवला, एप्पल, गुआवा या ऑरेंज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री है द अदर नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड या निकोटिनिक एसिड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन अस, रेटिनॉल को निम्न के रूप में भी जाना जाता है। जो रेटिनॉल रहता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन ई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, और जिसमें रात के समय इंसान को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलो इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, निम्न में से कौन सा विटामिन डी का समृद्ध सोर है। सनलाइट, मूनलाइट, फिश या मिल्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सनलाइट। जो विटामिन डी रहता है वो एकमात्र ऐसा विटामिन है जो सनलाइट से सिंथेसाइज हो जाता है। ऐसा नहीं हो कि आप भर दोपहर में बैठ जाओ, जो मॉर्निंग की सन देता है, लाइट रहती है उसी के लिए। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इज कजेस, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। स्कर्वी होता है, ऑस्टियोमलाइसिस होता है, या पोलेग्रा होता है, या टिटेनी होता है, टिटानी होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोमलाइसिस, ऑस्टियोमलाइसिया होता है, और टिटानी भी होता है। वैसे यह क्वेश्चन गलत होगा, और यहाँ पे टिटानी और ऑस्टियोमलाइसिस बहुत आना चाहिए, है ना। ओके, बाद आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, विटामिन के किस लिए आवश्यक होता है। ब्लड विस्कोसिटी के लिए, ब्लड थिंकनिंग के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए, या ब्लड थिंकनिंग के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर थिकनिंग के लिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो विटामिन के रहता है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक विटामिन रहता है, ये रक्त का थक्का जमाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है राइबोफ्लाविन इज ऑल्सो नोन अस, राइबोफ्लाविन को निम्न के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन बी टू, विटामिन बी वन, या विटामिन बी सिक्स, या बी ट्वेल्व। तो दोस्तों जो विटामिन बी टू रहता है उसको राइबोफ्लाविन के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन ए डिफिशियंसी कजेस, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया, बाइटोट्स स्पॉट, ऑल ऑफ दी अबो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबो। ये विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन बी सिक्स इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन बी सिक्स को किस नाम से भी जाना जाता है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, पायरोडॉक्सिन या नियासिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन मतलब विटामिन बी को पायरोडॉक्सिन नाम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कजेस, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गोइटर होता है, हाइपोथायरोडिज्म होता है, या किडनी डिसीज होती है, या हाइपोथायरोडिज्म होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गॉइटर रोग जो होता है, जिसे गलघोटू कहा जाता है या घेघा रोग कहा जाता है, वो विटामिन आयोडीन की कमी के कारण होता है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिसीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी बेरी अक्योर ड्यू टू द डिफिशेंसी। रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी बेरी जैसी बीमारियां किसकी कमी के कारण होता है? ये अमीनो एसिड्स के कारण, कार्बोहाइड्रेट्स के कारण, लिपिड्स के कारण या विटामिन के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो बीमारियां है ये विटामिन के कारण होती है। दोस्तों अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं और जो 10 रहते हैं वो नॉन एसेंशियल रहते हैं। जो नॉन एसेंशियल रहते हैं उनको हमें भोजन के रूप में नहीं लेना रहता है, और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं उन्हें हमारे भोजन के रूप में लेना ही पड़ता है। जो 10 रहते हैं नॉन एसेंशियल, वो अपने आप शरीर में सिंथेसाइज हो जाते हैं, उन्हें लेना नहीं पड़ता है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोसेस्ड फूड जनरली लैक ऑफ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आमतौर पर कमी करते हैं। जो जो जिनको खाना बनाते हैं, जो बनाते हैं उसमें ये जो उनमें किन का लैक हो जाता है? फाइबर का, मिनरल्स का, स्टार्च का या विटामिन्स का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस्ड फूड्स जनरली लैक ऑफ विटामिन्स। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन्स। इनमें से कौन सा विटामिन है जो निम्न में से कौन सा घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील या फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी है, वो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन सी एंड विटामिन बी है जो कि वाटर सोल्यूबल है, बाकी जितने हैं ए डी ई के और ये जो है ये फैट सोलबल विटामिन हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच विटामिन डिफिशियंसी के कॉजेज बेरी बेरी, कौन से विटामिन के कारण बेरी बेरी रोग होता है? B12, B6, B2 या B1। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम द डिजीज कॉजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम क्या है? पोलेग्रा है, रिकेट्स है, स्कर्वी है या पेर्निशियस एनीमिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पोलेग्रा। दोस्तों जो पोलेग्रा रोग होता है उसमें ये डर्मेटाइटिस से रिलेटेड होता है, ये सर उसमें जो त्वचा रहती है वो सूखी सूखी हो जाती है, और ये नियासिन की कमी के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पोलेग्रा। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम ए। निम्नलिखित में से कौन सा सह एंजाइम ए का एक घटक है? रेटिनॉल, पेंथोटेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन या रेटिनोइक एसिड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, जो रेटिनोल ए है वो एंजाइम ए का कंपोनेंट है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किसकी कमी के कारण होता है?
कोबलामिन की कमी के कारण, पायरोडॉक्सिन के कारण, या नियासिन के कारण, या फोलिक एसिड के कारण? तो दोस्तों, जो जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो होता है कोबलामिन के कारण। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B11, विटामिन B12, विटामिन B2 या विटामिन B6। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर B, विटामिन B12 को कोबालामिन या साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लोटिंग। रक्त के थक्का जमने वाले विटामिन का नाम बताइए। तो दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि विटामिन जो के रहता है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक रहता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर C, विटामिन के जो रक्त का ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, करीबन 100 क्वेश्चन हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 100 क्वेश्चन है करीबन, और लास्ट तक देखें न्यूट्रिशन इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको न्यूट्रिशन के इसके अलावा और कोई देखने की जरूरत नहीं रहेगी, बहुत है इतने क्वेश्चन। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, विटामिन C इज प्रेजेंट इन। विटामिन सी इनमें से मौजूद होता है लेमन में, पपाया में, गुआवा में, या ऑल ऑफ दी अबव? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लेमन। लेमन में अधिकतर विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थायरॉयड ग्लैंड की वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम की, सोडियम की, आयोडीन की, या कैल्शियम की? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर C, आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्लैंड रहती है वो बढ़ जाती है, उसी को हम गलघोटू रोग या घोगा रोग कहा जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑल आर विटामिन डिफिशियंसी डिशेज एक्सेप्ट। दोस्तों, यहाँ पे एक ये जो पॉइंट आया एक्सेप्ट का, इसका मतलब होता है के सिवा, मतलब सभी जो बीमारियां है वो विटामिन से कमी के कारण होने वाली है, केवल एक को छोड़ के, यहाँ पे के सिवा होता है। इनमें से एक के सिवा सभी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां है, तो कौन सी है? मारिस्मस, रिकेट्स, स्कर्वी, या चिलोलिसिस? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर A, मरेस्मस। जो मरेस्मस जो डिजीज होती है वो होती है प्रोटीन की कमी के कारण। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रहेगा ऑप्शन नंबर A। तो आप इस पॉइंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवा। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैल्शियम डिपॉजिट इन सॉफ्ट टिश्यूज इज ड्यू टू। जो जो कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यूज में किसके कारण जमा होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B, एक्सेस ऑफ विटामिन D, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C, एक्सेस ऑफ विटामिन C। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर B, एक्सेस ऑफ विटामिन D। एक्सेस ऑफ विटामिन D के कारण जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड। कैल्शियम की कमी के कारण एक स्थिति हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? गोइटर, एनीमिया, रिकेट्स, या स्कर्वी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर C, रिकेट्स। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि जो रिकेट्स होती है वो चिल्ड्रंस में होती है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें रिकेट्स होते हैं, और जो एज होल्डर रहते हैं या जो जवान रहते हैं उनमें ऑस्टियोमलाइसिस होता है, जो कि विटामिन D की कमी के कारण या कैल्शियम की कमी के कारण होता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन A केस, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, स्कर्वी, या रिकेट्स? तो उसका उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर A, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है या रेटिनोइक एसिड भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं, मारेस्मस एंड क्वासी ओकर्स आर बोथ डिसीज ऑक्योरिंग इन इन्फेंट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स।
मारेस्मस और क्वाशियोकर दोनों ही कमी के कारण शिशुओं में होने वाली बीमारी है, पोषक तत्वों में से कौन से? तो दोस्तों यहाँ पे मिनरल्स, वाटर, विटामिन सी या प्रोटीन्स। तो दोस्तों कौन किसकी कमी के कारण मारेस्मस और क्वाशियोकर बीमारी हो जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारियां है ये, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो मारेस्मस होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और जो क्वाशियोकर होता है और जिसे प्रोटीन के अधिकता के कारण होता है। मारेस्मस में जो बच्चा रहता है उसका शरीर सूख जाता है, और जो क्वाशियोकर होता है इसमें बच्चे का शरीर जो होता है फूल जाता है, जिसे सूखा और पोला रोग कहा जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ईयर। विटामिन ए प्रोफिलेक्स कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1971 में, 1970 में, 1972 में या 1973 में? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में विटामिन ए प्रोफिलेक्स कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन। बच्चों में जो विटामिन ए की प्रथम खुराक कब दी जाती है? कब कौन, जब बच्चा कितने महीने का हो जाता है? फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ। तो दोस्तों जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तब बच्चे को विटामिन ए का फर्स्ट डोज दिया जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, आयोडीन डिफिशेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। आयोडीन की कमी का विकार नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1963, 1973, 1953, 1983। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 में आयोडीन डिफिशेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन ए ईयर। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1942 में, 1952 में, 1962 में या 1972 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में मिड डे मील प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, शुरुआत की गई थी। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32। रोल ऑफ नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम इज। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में नर्स की क्या भूमिका रहती है? असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग ऑफ इवोल्यूशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, ऑल ऑफ दी अबो। तो इसको इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ से टॉपिक दूसरा स्टार्ट होता है, और ये जो टॉपिक है उसे आप देख सकते हो कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब गर्भावस्था और लैक्टेशन में न्यूट्रिशन की क्या जरूरत रहती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका आएगा 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान कुल वजन कितना बढ़ता है? 8 से 10 किलो, 9 से 12 किलो, 10 से 14 किलो या 11 से 16 किलो? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के पूरे गर्भावस्था काल में 9 से 12 किलो वजन बढ़ता है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू। विशेष स्तनपान तक दिया जाता है 3 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ? दोस्तों जो मुख्यतः 6 माह तक बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ इन्फेंट कैन बी स्टार्ट एट द एज ऑफ। शिशु की पूरक आहार की शुरुआत निम्न आयु में की जा सकती है। जब बच्चा कितने बड़ा हो जाता है कि उसे स्तनपान के साथ ही उसे कंप्लीमेंट्री फीडिंग या उसको और पूरक आहार देना शुरू किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए रहेगा आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 10 मंथ या आफ्टर 12 मंथ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर 6 मंथ। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद से माँ के दूध के साथ उसे कंप्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार देना शुरू किया जाना चाहिए। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 है, रिकमेंडेड
प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित प्रोटीन कितनी होना चाहिए, उसे ऑप्शन नंबर ए रहेगा 60 ग्राम, 14 ग्राम, 32 ग्राम, 75 ग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था के दौरान जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो रहती है 75 ग्राम की। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि 37 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द एडिक्यूट इनटेक ऑफ कैल्शियम मिलीग्राम पर डे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम मिलीग्राम पर दिन की पर्याप्त दैनिक सेवन क्या है, एक गर्भवती महिला को लिए प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 1100 mg पर डे, 1000 mg पर डे, 1200 mg पर डे या 1300 mg पर डे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 mg पर डे, मिलीग्राम पर डे एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आवश्यकता रहती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विच डिफिशियंसी इज एसोसिएट विथ सिलोसिस, विच डिफिशियंसी इज एसोसिएट विथ सिलोसिस, सिलोसिस में किसकी कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो दोस्तों जो सिलोसिस होता है उसमें उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी की कमी के कारण सिलोसिस होती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है 39 में देख सकते हैं, हाउ मेनी कैलोरीज आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती है उनको कितनी कैलोरी की सिफारिश की जाती है। उसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है 2500, 2500, 3000, 2000 या 1500। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 कैलोरी की एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच न्यूट्रिएंट इज ऑफ्टन गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे कौन सा पोषक तत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है आयरन या विटामिन के। तो दोस्तों जो जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसे विटामिन के दिया जाता है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विच न्यूट्रिएंट्स इज गिवन टू इन्फेंट एट द बर्थ, बर्थ के समय बच्चे को विटामिन के दिया जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मेनी टाइम ए डे टू न्यूबॉर्न जनरली नीड टू फीड, नवजात शिशुओं को दिन में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 5 to 6 times, ऑप्शन नंबर सी है 3 to 4 times, ऑप्शन नंबर सी है 8 to 12 times या फिर ऑप्शन नंबर डी है 9 to 10 times। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 10 to 12 times बच्चे को कम से कम पर डे दूध पिलाना चाहिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच फूड्स आर ए गुड अल्टरनेटिव फॉर दोज हु डोंट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, कौन सा फूड जो है खाद्य पदार्थ तो उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, एक पीनट बटर एंड ड्राइड बीन्स। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी है पास्ता राइस एंड पोटैटोस, ऑप्शन नंबर सी है फ्रूट्स वेजिटेबल एंड होल ग्रेन ब्रेड्स, और ऑप्शन नंबर डी है क्रीम सूप्स पुडिंग्स एंड लो रेट चीज। तो दोस्तों इसका जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रूट्स वेजिटेबल एंड होल ग्रेन ब्रेड्स। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रेग्नेंट वुमेन शुड फ्लो ए डाइट, गर्भवती महिलाओं को आहार का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर है कंसिस्टिंग मेनली ऑफ डेली प्रोडक्ट दैट कंटेन नो फैट दैट न्यूट्रिएंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए वैरायटी ऑफ फूड्स दैट इंक्लूड ट्वाइस अस मेनी कैलोरीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट न्यूट्रिएंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए वैरायटी ऑफ फूड्स,
इसका जो राइट आंसर रहेगा मतलब कि जो महिलाओं को अलग अलग वेराइटी के फूड्स को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है डायबिटीज इज ए बॉडी इज लैक और इनेबिलिटी टू यूज मधुमेह एक शरीर में कमी या उपयोग करने में असमर्थता है। किसकी कमी के कारण जो मधुमेह होता है? तो ऑप्शन नंबर है ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन, विटामिन B12 या कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर B, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर है 45। बी साइड्स प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट डिजीज, व्हाट इज अनदर एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? अपने बच्चे को बीमारी से बचाने के अलावा स्तनपान कराने का एक और फायदा क्या हो सकता है? जो माँ का दूध होता है वो बच्चे को बीमारी से बचाने का काम करता है, तो कम से कम 6 माह तक केवल माँ का दूध दिया जाना चाहिए। तो वो बच्चों को बीमारी के बचाने से अलावा और क्या काम करता है? ब्रेस्ट मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट देन फॉर्मूला। जो बच्चों के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इजी डाइजेस्ट हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क डजेंट नीड टू बी ए प्रिपेयर्ड, उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। ब्रेस्ट मिल्क इज ए फ्री एंड रेडी अवेलेबल, ऑल ऑफ द अबो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबो। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर, स्तनपान कराने से माँ कैसे मदद करती है? ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प यू गेट बैक टू नॉर्मल वेट। जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उससे बच्चे महिला का जो वेट होता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस रिस्क एंड ओवरीज कैंसर इन वुमेन। जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उससे बच्चों महिलाओं को ओवरीज कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज बोन स्ट्रेंथ। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर B, बोथ ए एंड बी। ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन नंबर ए एंड बी है वो दोनों इसमें रहेंगे। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क। सब स्तन दूध बनाने के लिए हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर B, प्रोलैक्टिन जो होता है वो महिलाओं में दूध बनाने का काम करता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है द मिल्क मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज ए सर्टेन नेम वाज व्हाट इज इट। जन्म के बाद महिला पहले दिन में शरीर द्वारा बनाया गया दूध एक निश्चित नाम होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे लैक्टोज कहा जाता है, एसिडोफिल्स कहा जाता है, फिलस कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है या नन ऑफ द अबो। तो दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा इसका रहेगा ऑप्शन नंबर C, कोलेस्ट्रम। जो महिला का पहला गाढ़ा दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि 49, क्वेश्चन नंबर 49 है ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर हु हैव, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए स्तनपान की सिफारिश नहीं की जाती है, हेपेटाइटिस सी में या ट्यूबरक्लोसिस में या डायबिटीज में या HIV में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर D, HIV में माताओं को बच्चों को दूध पिलाने की सिफारिश नहीं की जाती, उन्हें दूध नहीं पिलाना चाहिए। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है द एवरेज वेट ऑफ द बॉडी एट बर्थ, जन्म के समय बच्चे का औसत वजन कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? 2 kg ऑप्शन नंबर ए है 2 kg, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 kg, ऑप्शन नंबर सी है 3 kg, ऑप्शन नंबर डी है 3.5 kg। तो दोस्तों जब बच्चे का जन्म होता है कम से कम उसे 2.5 kg का होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है टॉपिक, और जो टॉपिक है वो रहेगा टॉपिक न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट चाइल्ड एडोलसेंट एंड इलर्ली। न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट चाइल्ड एडोलसेंट एंड इलर्ली के लिए
इसका 51 क्वेश्चन नंबर है, 51 है, द कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्वॉल्व पूरक आहार में क्या क्या शामिल है, टाइमली एडेक्यूट एक्टिव फीडिंग ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, कम्प्लीमेंट्री में ये सभी शामिल होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, द इन्फेंट डबल हिज हर बर्थ वेट एट विच मंथ, शिशु किस महीने में अपने वजन का दोगुना करता है, मतलब उसका वजन किस मंथ में बच्चे का वजन दोगुना हो जाता है। इन्फेंट ड्यू टू इन्फेंट डबल हिज हर बर्थ वेट एट विच मंथ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 5 मंथ, ऑप्शन नंबर बी है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी है 7 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 8 मंथ। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जब बच्चा 5 मंथ का हो जाता है तब उसका वेट होता है उसके जन्म के वेट से डबल हो जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट शुड एडोलसेंट कंज्यूम डेली, किशोरों को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, 20 से 30%, 45 to 60%, 50 to 60%, नन ऑफ दी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 45 to 60% एडोलसेंट को प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, हाउ मेनी कैलोरीज पर डे प्री स्कूलर्स नीडेड, प्रतिदिन प्री स्कूलर्स को कितनी कैलोरीज चाहिए, 1200 से 1400, 1000 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्री स्कूलर्स को 1000 से 1400 कैलोरी की आवश्यकता पर डे रहती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, विच न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गोज अप इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी फैट, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन, क्योंकि जो विटामिन होता है वो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, तो बुढ़ापे में विटामिन की आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम वाज स्टार्टेड इन, ऑप्शन नंबर ए है 1956, 1975, 1985, 1995। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम शुरू की गई थी, इसे ICDS भी कहा जाता है, ICDS। उसके बाद देख सकते हैं ये आ गया है ICDS, ICDS gives immunization service to, ICDS टीकाकरण सेवाएं देता है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर 6 ईयर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं बिलो 6 ईयर और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को इम्यूनाइजेशन सेवाएं प्रदान करती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं, द ICDS प्रोग्राम कवर अर्बन एंड रूरल और द पॉपुलेशन, ICDS कार्यक्रम जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण शामिल है, 1 लाख पे, 1,50,000 पे, 2 लाख पे, 2,50,000 पे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख पे। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 59, द डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ सेवरली मेनोरिज्ड चिल्ड्रन 6 मंथ 72 मंथ इज, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता 6 महीने से 72 महीने में कितनी होना चाहिए, जो गंभीर रूप से जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए है 600,
ऑप्शन नंबर बी है 700, ऑप्शन नंबर सी है 800, ऑप्शन नंबर डी है 900। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 800। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है द डेली प्रोटीन इनटेक फॉर, दैनिक प्रोटीन का सेवन कितना किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर है 20 से 25 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 26 से 30 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 31 से 35 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 26 से 40 ग्राम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 20 से 25 ग्राम डेली प्रोटीन इनटेक किया जाना चाहिए। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन इल्डरली, जो बुजुर्गों में दैनिक कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए कम से कम पर डे। ऑप्शन नंबर ए है 500 mg, ऑप्शन नंबर बी है 800 mg, ऑप्शन नंबर सी है 1000 mg और ऑप्शन नंबर डी है 1200 mg। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1000 mg कैल्शियम पर डे इल्डरली को आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 है डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन इल्डरली, प्रोटीन कितना आवश्यक होता है इल्डरली के लिए, जो बुजुर्गों में दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता है 1 से 2 ग्राम, 3 से 4 ग्राम, 5 से 6 ग्राम या 7 से 8 ग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है बुजुर्गों को। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज फॉर टूडलर, बच्चे के लिए कैलोरी की दैनिक आवश्यकता कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 500 से 1000, ऑप्शन नंबर बी है 1000 से 1200, ऑप्शन नंबर सी है 1000 से 1400, ऑप्शन नंबर डी है 1400 से 1600। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1000 से 1400 कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर डे फॉर टूडलर्स, तो बच्चे के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 0.55 mg/kg पर डे, 1 g/kg पर डे। ऑप्शन नंबर सी है 2 g/kg पर डे, ऑप्शन नंबर डी है 3 g/kg पर डे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 0.55 g/kg/day। ये बॉडी वेट के हिसाब से रहेगा, कितना बच्चों का वेट होता है, 1 kg पे 0.55 g की आवश्यकता होती है बच्चे को। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है 65। क्वेश्चन नंबर 65 है हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे टू इन्फेंट रिक्वायर, शिशुओं को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए 35 g/day, 36 g/day, 37 g/day, 38 g/day। तो दोस्तों का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 37 g/day। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है द इम्यूनाइजेशन MMR इज गिवन टू चिल्ड्रन, जो MMR का जो टीका लगता है वो बच्चे को कौन सी एज में लगता है। ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ में, 6 मंथ में, 9 मंथ में, 12 मंथ में। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी 9 मंथ में MMR का टीका, जिसमें मिजल्स और रूबेला का टीका लगाया जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है द एडोलेसेंट बॉयज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट इज, किशोर लड़के की वसा की दैनिक आवश्यकता क्या होती है। ऑप्शन नंबर है 20 से 35 ग्राम, 35%, 25 से 30%, 25 से 35% या 30 से 40%। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 25 से 35% एक एडोलसेंट बॉयज को डेली रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है द एडोलसेंट गर्ल्स डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, किशोर लड़की को प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है 40 से 55 ग्राम, 45 से 60 ग्राम, 30 से 45 ग्राम या 50 से 60 ग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 45 से 60 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक एडल्ट गर्ल्स के लिए है।
उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, द एडोलसेंट बॉयज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किशोर लड़के के लिए कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता क्या है, 40 से 50%, 45 से 65%, 50 से 65%, 55 से 65%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 45 से 65% एक एडोलसेंट बॉयज के लिए कार्बोहाइड्रेट की डेली रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, द एडोलसेंट गर्ल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी, किशोर लड़की की कैलोरी की दैनिक आवश्यकता क्या होती है, 1800 किलो कैलोरी, 2000 किलो कैलोरी, 2100 किलो कैलोरी या 2200 किलो कैलोरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2200 किलो कैलोरी एक एडोलसेंट गर्ल्स के लिए पर डे रिक्वायर्ड रहती है। उसके बाद यहाँ से टॉपिक चेंज होता है और टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी डिसऑर्डर, न्यूट्रिशंस की कमी से होने वाले रोग, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट आर द केज ऑफ पीएम, पीएम के कारण क्या होता है, पॉवर्टी, लार्ज साइज ऑफ फैमिलीज और फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, ए एंड सी। दोस्तों का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 72। परसेंटेज ऑफ ग्रेट फर्स्ट माल न्यूट्रिशन, ग्रेड वन कुपोषण का प्रतिशत क्या है, 71 to 80%, 61 to 70%, 51 to 60% या below 50%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कुपोषित अति कुपोषित या ग्रेड वन कुपोषण का प्रतिशत है वो 71 से 80% है, जो कि एक बहुत खराब बात है। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 73, मिडिल आर्म सर्कमफेरेंस ऑफ माल न्यूट्रिस्ड चाइल्ड इज, एक कुपोषित बच्चे का मध्य हद परिधि है, 11 सेंटीमीटर, लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, below 11.5 सेंटीमीटर या between 10 to 13 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, less than 12.5 सेंटीमीटर। अगर 12.5 सेंटीमीटर से अगर ये 11.5 सेंटीमीटर रहता है तो इसे हम मेम कहते हैं, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और अगर ये 11.5 से नीचे रहेगा या बिलो रहेगा तो इसे हम सेम कहा जाता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहा जाता है, और अगर ये 12.5 से है तो वो नॉर्मल बच्चा रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कुपोषित बच्चे का मध्य हद परिधि जो रहेगा वो 12.5 रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, मसल वेस्टिंग इन मारिसमस स्टार्ट फ्रॉम, मारिसमस में मांसपेशियों को बर्बाद करना शुरू होता है, एक्जिला एंड ग्रोइन से, फेशियल मसल से, एब्डोमेन से, चेस्ट से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बच्चे के हाथ पे थूकने लगते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, लो प्रोटीन डाइट लीड टू कम प्रोटीन आहार से होता है, मारिसमस, क्वासी होकर, मारिसमस और क्वासी होकर, ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सॉरी ये यहाँ पे ये गलत आ गया है, और इसका ऑप्शन रहेगा मारिसमस, क्वासी होकर में बच्चे का शरीर फूल जाता है। उसके बाद देख सकते हैं 76 क्वेश्चन, ऑल आर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एसोसिएट विथ ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट। दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट फिर आया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि के सिवा एक को छोड़कर सभी ओवर पोषण संबंधी विकार है, मतलब इसमें से केवल एक ऐसी बीमारी है जो केवल प्रोटीन के कारण नहीं होती, पोषण के कारण नहीं होती, जो ओवर पोषण के कारण नहीं होती, बाकी सब ओवर पोषण के कारण होती है। तो हाइपर विटामिनोसिस, ओबेसिटी, फ्लोरोसिस, ऑस्टियोमलाइसिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तो जो और डी, ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑस्टियोमलाइसिया को छोड़कर सभी ओवर पोषण के कारण होने वाली बीमारियां है। उसके बाद आगे देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 77, बेरी बेरी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी वन और विटामिन सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी वन के कारण बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं वापिस से, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अक्योर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसी कमी कारण होता था? थायमिन की, राइबोफ्लाविन की, नियासिन की या फोलिक एसिड की। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फोलिक एसिड के कारण मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। उसके बाद साइनोकोबालामिन आल्सो इज नोन एज, साइनोकोबालामिन को हम B12 के नाम से जानते हैं, ये मैंने पहले बता दिया है, ये डबल से आ गया है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ऑस्ट्रोमलेशिया इज सीन यूजुअली, ऑस्ट्रोमलेशिया आमतौर पर देखा जाता है बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, अबो 5 ईयर चिल्ड्रन प्रेगनेंट इन लैक्टेशन और 12 टू 14 ईयर चिल्ड्रन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रेगनेंट इन लैक्टेशन में ऑस्ट्रोमलेशिया देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, द फॉलोइंग इज ए विटामिन सी डिफिशियंसी डिसीज, निम्नलिखित में से एक विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली रोग है? जॉन्डिस, स्कर्वी, कैंसर और अस्थमा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आगे देख सकते हैं 82, द मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्थ रेड ब्लड सेल्स एंड ए डिफिशियंसी माइट कॉज एनीमिया, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए खनिज आवश्यक है और कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन और क्रोमियम। तो आयरन की कमी के कारण आपको मालूम होता है कि एनीमिया हो जाता है, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है, कैल्शियम डिफिशियंसी कजेस, कैल्शियम की कमी के कारण टिटेनी हो जाता है, इरेटेबिलिटी होता है, डिलेट्रीनेस होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी कैल्शियम के कारण होने वाली बीमारियां हैं। आईसीडीएस किसे कवर करता है? अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, एडोलसेंट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा जो आईसीडीएस है ये सभी को कवर करता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कम, राष्ट्रीय पोषण नीति कब आई थी? 1993 में, 1995 में, 1997 में या 2001 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1993 में न्यूट्रिशन पॉलिसी आई थी। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86, विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी अब्जॉर्ब, विटामिन डी हमारे शरीर को अवशोषित करने में मदद करता है, सनलाइट को, वाटर को, आयरन को या कैल्शियम को? दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 87, फीचर्स ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन आर, बच्चों में रिकेट्स की क्या विशेषता होती है? बुशिंग ऑफ हेड, डिलेट, इरप्शन ऑफ सेकेंडरी टीथ, पैरालिसिस या लिथ्रेजी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बुशिंग ऑफ हेड। यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फूड बोर्न डिसीज एंड फूड सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 88 है, द फूड बोर्न इन्फेक्शन इज ड्यू टू, जो फूड बोर्न संक्रमण किसके कारण होता है? केमिकल्स के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण? दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फूड बोर्न संक्रमण या डिजीज होती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 89, एट व्हाट टेम्परेचर द फूड शुड बी स्टोर्ड, भोजन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से 60 डिग्री सेल्सियस, 30 से 60 डिग्री सेल्सियस या 35 से 60 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 25 से 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 90, फूड सेफ्टी इंक्लूड्स, खाद्य सुरक्षा में शामिल है प्रॉपर हैंडलिंग, प्रिपरेशन, प्रॉपर स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य सुरक्षा में ये सभी चीज़ें शामिल होती है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 91, द WHO हैज गिवन बैंक की टू सफर फूड एट सेफर फूड एट होम रेस्टोरेंट और
अट लोकल मार्केट, WHO ने घर, रेस्तरा या स्थानीय बाजार में भोजन को सुरक्षित करने के लिए कितनी कुंजी दी है? ऑप्शन नंबर ए है 2, 3, 5 या 6। जो कुंजी दी है वो है 5। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द डेंजर जोन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फूड हैंडलिंग? फूड हैंडलिंग के लिए तापमान का डेंजर जोन क्या है? 50 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट जो रहता है वो फूड हैंडलिंग के लिए डेंजर जोन होता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 93। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फूड बोर्न इलनेस, खाद्य जनित बीमारी के आम लक्षण क्या है? किडनी फेलियर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्किन रेसेस हो सकता है या हेडेक हो सकता है। तो दोस्तों जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो डायरिया होता है। जब भी फूड इन्फेक्शन होता है या फूड बोर्न इलनेस होता है तो उसमें डायरिया कंपलसरी माना जाता है कि डायरिया उसको हो सकता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द लोअर रिस्क फॉर फूड बोर्न इलनेस? निम्न में से किस समूह में खाद्य जनित बीमारी का जोखिम कम होता है? यंग एडल्ट, द एलरली, इन्फेंट, इंडिविजुअल विथ एड्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द एल्डर्स लेते हैं उनमें फूड बोर्न डिसीज के कम चांसेस रहते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि शुगर एंड साल्ट एक्ट अस प्रिजर्वेशन बाय, चीनी और नमक किस प्रकार संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली, क्या ये डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है? इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट ऑफ फूड, वाटर कंटेंट को बढ़ा देता है। इंक्रीजिंग द एसिड कंटेंट ऑफ फूड, एसिड कंटेंट को बढ़ा देता है। बाइंडिंग द वाटर सो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों जो रहता है कि इसका जो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये बाइंडिंग वाटर, ये वाटर को बाइंडिंग कर देता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, इंक्रीजिंग द एसिड कंटेंट ऑफ ए फूड इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ, किसी भोजन की अम्ल कंटेंट में वृद्धि को रोकने में प्रभावी है? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, साल्मोनेला, वायरसेस, ईस्ट। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये यहाँ पे साल्मोनेला आएगा और यहाँ पे ये गलत आ गया है। तो आप इसे साल्मोनेला, सॉरी सॉरी, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे देख सकते हैं द फूड बोर्न इलनेस दैट कैन बी कजेस बाय, ये फूड सर्व वर्कर कफिंग एंड खाद्य जनित बीमारी जो किसी खाद्य सेवा कर्मी के खांसने और उसके कारण हो सकती है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, साल्मोनेला हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, द बेस्ट वे टू ट्रीट फूड बोर्न इलनेस इज विथ, खाद्य जनित बीमारी के इलाज का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेस्ट बेड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, एक्सरसाइज टू बर्न आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत अब बहुत ए एंड बी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ए एंड बी, बेड रेस्ट और प्लेंटी ऑफ फ्लूट्स। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 ही, ये पर्सन विथ ए फूड सर्व इलनेस शुड कंटेक्ट ए फिजिशियन ऑफ, भोजन परोसने वाले व्यक्ति को एक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए अगर उसे ब्लड इन प्रेजेंट इन द स्टूल, फीवर इज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और ग्रेटर, सिम्टम प्रसिस्ट फॉर मोर देन 2 to 3 days, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी अबव, अगर ऐसा कुछ है तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, रोगजनक सूक्ष्म जीव को मारने के लिए दूध को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टरलाइजेशन, पाश्चराइजेशन, इरिडेशन या नन ऑफ दिया। बहुत दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पाश्चराइजेशन कहा जाता है दूध के चर्म को मारने का।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको नेक्स्ट टॉपिक का नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, और आपके एग्जाम से पहले मैं सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और मेरे वीडियो को लाइक करें।